हेलो क्लास फोर्थ प्रीवियस क्लास में हमने वर्ड्स को चेंज करके यानी सेंटेंस के अंदर वर्ड्स की पोजीशन को चेंज करके क्वेश्चंस को बनाना सीखा था जिसमें हमने इज़ आर डू डज वाज वर डेड इन वर्ड्स की पोजीशन को चेंज करके सेंटेंस के अंदर उनको क्वेश्चंस में चेंज करना सीखा था आज हम डब्ल्यू एच वर्ड्स के साथ क्वेश्चंस को बनाना सीखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड्स कौन से होते हैं जैसे वाई वॉट वेन where, विच who, हाउ इन क्वेश्चन वर्ड से हमको क्वेश्चन बनाने हैं कैसे बनाते हैं देखिए फॉर एग्जाम्पल वाई वॉज द फार्मर सैड अब यहाँ देखिए वाई जो वर्ड है ये किस लिए यूज़ किया गया है टू नो द रीज़न फॉर समथिंग किसी चीज़ का रीज़न जानने के लिए हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो किस वर्ड से करेंगे वाई सेम टू नो डिटेल्स अबाउट सम वन और समथिंग किसी पर्सन के बारे में किसी चीज के बारे में डिटेल जाननी है कि वो क्या है उसके लिए हम यूज करेंगे वॉट जैसे वॉट डिट पिट ने पैट को क्या बताया तो यह हमने क्वेश्चन वर्ड यूज किया वॉट सेम टू नो द टाइम टाइम जानने के लिए वेन टू नो द प्लेस प्लेस पता करने के लिए हम पूछ, पूछेंगे वेयर से क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही टू नो समथिंग फ्रॉम अ सेट विच जैसे विच क्रॉप डेट फार्मर सेट ग्रो राइस और वीट यहाँ एक क्रॉप का सेट दिया था राइस या वीट उसमें से कोई चॉइस पूछी तो हमने किस वर्ड से क्वेश्चन किया विच नेक्स्ट है टू नो द आइडेंटिटी ऑफ सम किसी पर्सन की आइडेंटिटी जानने के लिए हम कैसे पूछते हैं किसी से हु जैसे हु आर यू आर योर फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर है हु वॉज फार्मर सेट फार्मर सेट कौन था हमने क्वेश्चन किया हु से एंड द लास्ट वन इज टू नो इन वॉट वे कोई वर्क हुआ वो किस वे में हुआ किस वे में होता है उसको जानने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं हाउ से हाउ डिड पिट एंड पैट हेल्प द फार्मर पिट और पैट ने फार्मर की हेल्प कैसे की ओके किड्स चलिए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं Yes टेक टर्न विद य पार्टनर टू आस्क एन आंसर दीज क्वेश्चन अब आप अपने भाई बहन के साथ या अपने फ्रेंड के साथ कोई एक पार्टनर बनाइए अपना और उनके साथ कन्वर्सेशन कीजिए इन सेंटेंसेस को लेकर यहाँ कुछ आंसर दिए हैं जिनके आपको क्वेश्चन फॉर्म करने हैं अब आप क्वेश्चन पूछें और आपका पार्टनर आंसर दें या आप आंसर दें और आपका पार्टनर आपसे क्वेश्चन पूछे लेकिन वो क्वेश्चन कैसे होने चाहिए फॉर्म योर क्वेश्चन बाई यूजिंग डब्ल्यू एच वर्ड्स डब्ल्यू एच वर्ड से होनी चाहिए वन हैज बिन डन फॉर यू जिसमें एक आपको करके बताया गया है देखिए फर्स्ट सेंटेंस आपको करके बताया है ना वाई वॉज द वीट ड्राइंग अप आंसर क्या था वैसे द वीट वॉज ड्राइंग अप बिकॉज देर वॉज नो रेन अब देखिए यहाँ रीजन दिया गया है वीट ड्राई क्यों हो रहा था क्योंकि क्योंकि वहाँ कोई रेन नहीं हुई थी तो रीजन के लिए हमने कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज किया डब्ल्यू एच वर्ड वाई अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस फार्मर सेठ प्रेड फॉर रेन अब फार्मर सेठ ने प्रे किया किसके लिए फॉर वॉट क्वेश्चन हुआ वॉट तो यहां यूज करेंगे वॉट वॉट डिड फार्मर सेठ प्रे फॉर नेक्स्ट वन पैट जम्प विद पिट अब देखिए पैट ने जम्प किया पिट के साथ किसने जम्प किया यानी किसी पर्सन के बारे में हमें आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई uh, करना है हमें किसी पर्सन को तो यहाँ क्या क्वेश्चन वर्ड यूज होगा हुट हु जम्प्ड विद विद पिट नेक्स्ट पिट फेल ऑन द फार्मर्स नोज अब देखिए टू ड्रॉप्स थी ना पिट एंड पैट अब यहां देखिए दिया है ड्रॉप्स फेल रेनड्रॉप फेल ऑन द फार्मर स्नोज कौन सी रेनड्रॉप गिरी थी फार्मर की नोज पर यानी अब हमें पता करना है टू एक साइड में से हमें एक चीज़ बतानी है यानी कि विच क्वेश्चन वर्ड आएगा यहाँ पर विच कौन सी ड्रॉप विच रेनड्रॉप फेल ऑन द फार्मर स्नोज नेक्स्ट वन पिट लैंडेड ऑन अ व्हीट स्टॉक अब पिट ने लैंड किया किसी किस कहाँ पर किसी एक प्लेस पर तो प्लेस के लिए हमें क्या यूज करना होता है वेयर तो वेयर डिड पैट लैंड ओके नेक्स्ट द अदर रेन रेनड्रॉप्स ज्वाइंट पिट एंड पैट एंड फेल ऑन द फील्ड तो अदर रेन रेनड्रॉप्स थी उन्होंने क्या किया पिट और पैट को ज्वाइन किया और वो भी फील्ड पर जाकर गिरी तो क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका रेनड्रॉप्स हेल्प अदर रेनड्रॉप्स ने कैसे हेल्प की कैसे मतलब किस मैनर में हाओ तो यहाँ क्वेश्चन आएगा आपका एच ओ डब्ल्यू हाउ हाउ डिड द अदर रेनड्रॉप्स हेल्प ओके किड्स ना यू हैव टू राइट दिज एक्सरसाइज इन योर नोटबुक एंड नेक्स्ट सेगमेंट इज टाइम टू लेसन लिसन केयरफुली टू अ स्टोरी अबाउट फार्मर सेट्स कैट एंड द माइज ऑन इज फार्म आंसर दीज क्वेश्चन इन टू और थ्री वर्ड्स अभी मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा आपको उसे ध्यान से सुनना है एक स्टोरी है फार्मर सेट के कैट की और कुछ माइस हैं उसमें उनकी उस स्टोरी को आपको ध्यान से सुनना है और फिर यह थ्री क्वेश्चन हैं इनके आंसर्स आपको देने हैं ओके लिसन इट केयरफुली Carefully to a story about Farmer Seth's cat and the mice on his farm. Answer these questions in two or three words. Farmer Set had a cat. The cat moved very quietly. It loved to chase mice around the house. One day, the mice decided to do something about the cat. A smart young mouse said, Let's tie a bell to the cat's tail. When she walks, the bell will make a sound. We will hear the sound and run away. Then a wise old mouse said, "That is a good idea. But who is brave enough to tie a bell to the cat's tail?" All the mice were silent. Can you say why? Yes, kids. Did you listen to the story? ना यू हैव टू राइट द आंसर्स हियर, ओके इस स्टोरी को बार बार आप वीडियो बैक करके सुन सकते हैं अच्छे से और आपको खुद इनके आंसर्स लिखने हैं यहाँ पर ओके नेक्स्ट क्लास में हम अगली एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे टिल देन बाय बाय टेक केयर